नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत कम दिन ऐसा होता है जब कई राज्यों की पॉलिटिक्स एक साथ घूमती है। आज ऐसा ही दिन है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार परमानेंट हुई तो बीजेपी ने लीडरशिप बदल ली। लीडरशिप चेंज यूपी में भी हो रहा है। बिहार में विजय सिन्हा को विधायकों की कमान मिली। यूपी में जाट नेता भूपेंद्र चौधरी फ्रंट रो में आ गए। दिल्ली में भी फ्रंट लाइन चेंज हो रही है। महाराष्ट्र में एक नारा गूंजा और नौबत हाथापाई तक आ गई। क्या यह सब छापे का असर है? नहीं, छापे तो सुबह ही पड़ गए, मगर शाम में खबर चेंज हो गई। आज पॉलिटिकल थ्रिलर का दिन है। इसका एक एक मिनट, एक एक फ्रेम इस रिपोर्ट में। कौन सोच सकता था ईडी की रेड में AK-47 रायफलें मिली। रांची में एक नहीं, दो AK-47 राइफलें मिली। राइफलों के साथ 60 गोलियां भी मिली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के लिए छापा मारा था, मगर लोहे की अलमारी में यह घातक हथियार थे। ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने पर विपक्ष आज भी ये कहता रहा कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन छापे में अगर AK-47 मिले तो ये दुरुपयोग कैसे हुआ? कौन है वो शख्स जो घर पर AK-47 राइफलें रखता है? वो किस नेता का करीबी है? किसकी शह पर काम करता है? ईडी की टीम उसके घर तक कैसे पहुंची? अलमारी में AK-47 राइफल रखने की परमिशन उसे किसने दी? सच बताएंगे, पूरा समझाएंगे। उससे पहले रांची पुलिस का बयान सुन लीजिए। उसकी जानकारी हमें ये नहीं है कि कौन किस सुरक्षा कर्मी का क्या है, बस हमें है कि ये हमारा रांची जिला बल का सुरक्षा कर्मी का है। ये रांची जिला से आवंटित किया गया है इन लोगों को। तो ये गार्ड का है और ये झारखंड पुलिस के जवान है। हाँ, किने मिले थे, किने लौट हुए थे? प्रेम नहीं, नहीं, नहीं। रांची पुलिस का थानेदार अपनी सफाई में कहता है कि ईडी की रेड में मिले हथियार सरकारी, लेकिन थाना प्रभारी को यह नहीं मालूम कि यह हथियार किसे अलॉट किए गए थे। ईडी ने छापा मारा तो वहां कोई पुलिस वाला नहीं मिला, सशस्त्र बल का कोई जवान नहीं मिला, तो फिर आलमारी में मिले AK-47 वैध कैसे हो गए? अब उस शख्स के बारे में बताते हैं जिसके घर में AK-47 मिले। इसका नाम है प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी। मूल रूप से बिहार के सासाराम का रहने वाला प्रेम प्रकाश झारखंड की JMM सरकार में सबसे बड़ा पावर ब्रोकर माना जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग कराने से लेकर खदानों के पट्टे दिलाने तक प्रेम प्रकाश ने खूब पैसे बनाए। खनन घोटाले में शामिल होने के आरोप में ईडी ने मई में हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। आज रांची और सासाराम समेत प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। रांची के अखबारों में प्रेम प्रकाश के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ये पहले मिड डे मील प्रोग्राम में अंडे बेचा करता था। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बार लालू यादव के घर से मोबाइल चुराने पर गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया था और खूब पिटाई की। मगर कुछ ही दिनों में प्रेम प्रकाश और पीपी ने इतना पैसा बना लिया कि वो रांची की पॉश हरमू कॉलोनी में महेंद्र सिंह धोनी के घर के बगल में धोनी जैसा ही बंगला बनवाने लगा। प्रेम प्रकाश को धोनी की तरह ही महंगी गाड़ियों का शौक है। उसके पास फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं और दोनों का नंबर 0007 है। वो कैसे किसी के घर पे मिल गया? वो क्या कस्टोडियन है या मालखाना बना रखा है प्रेम प्रकाश के घर का? तो यही तो दिखाता है, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रेम प्रकाश अमित अग्रवाल और हेमंत सोरेन की तिकड़ी है जो झारखंड लूटने के लिए आई है। ट्रांसफर पोस्टिंग वो करता है, सेक्रेटरी की पोस्टिंग वो करता है, माइनिंग माफिया वो है, दारू वो बेच रहा है, गिट्टी वो बेच रहा है, मिड डे मील स्कीम में वो इन्वॉल्व है। तो आज सामने आ गया, अब तो सीधा सीधा है, ओपन एंड शट केस है। मालखाना तो नहीं है ना प्रेम प्रकाश का घर? प्रेम प्रकाश के घर से बरामद हुआ ना, तो जिला पुलिस का AK-47 कहाँ कैसे मिल जाएगा उसको? ये बचाने की आपको साजिश नहीं लग रही है कि उसको बचाने की बात चल रही है? और NIA जो है हेमंत सोरेन तक जाएगी, ये रांची पुलिस ने जो है एक रास्ता बना दिया है जाने के लिए। नोटों की गड्डियां पहले ही मिल चुकी हैं, AK-47 आज मिल गए हैं।
खनन घोटाला अब धीरे धीरे नक्सलवाद, आतंकवाद और जबरन वसूली की ओर मुड़ता जा रहा है। विरोधी कहते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिर नहीं रही, इसीलिए ईडी की टीम भेजी गई। ऐसे ही आरोप आज बिहार में लगे। आरजेडी नेताओं पर सीबीआई के छापे पड़े तो कहा गया कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार टेम्पररी से परमानेंट हो रही है, इसीलिए सीबीआई की टीम भेजी गई। पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो है हम लोगों का खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं, अब ये IRCTC का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी है जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश के संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है, हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था, लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। तेजस्वी के गुस्से की वजह बड़ी सिंपल है। पटना में आरजेडी के MLC सुनील सिंह पर CBI का छापा। आरजेडी के पूर्व MLC सुबोध राय पर CBI का छापा। कटिहार में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम पर CBI का छापा। मधुबनी में आरजेडी के राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद पर CBI का छापा। IRCTC के लैंड फॉर जॉब घोटाले में CBI ने आज एक साथ 24 ठिकानों पर छापे मारे। बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार सरकार का शक्ति परीक्षण होने वाला था। विधायकों का काफिला विधानसभा पहुंचा, उससे पहले ही CBI के दस्ते आरजेडी नेताओं के घर पहुंच गए। क्या है आपके पास, क्या क्या रखे हैं? अभी सामने में ना है, सब लोग रहिएगा ना, देखिएगा कि क्या यहाँ कौन लोग हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन लोग हैं, मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह जो थ्रेट करके चल रहा है कि एक जगह रेड करें, दो जगह रेड करेंगे तो डर के मारे आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है, सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज का दिन क्यों, मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है क्या? बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए, ये क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन? और क्या आपके मामला आपको नजर आ रहा है क्या, मतलब अभी मामला है क्या? CBI ने जिन पर छापा मारा वो लालू परिवार के बेहद करीबी लोग हैं। सुनील सिंह आरजेडी MLC और कोषाध्यक्ष हैं। अशफाक करीम आरजेडी के राज्यसभा सांसद और कटिहार मेडिकल कॉलेज के फाउंडर हैं। फैयाज अहमद भी राज्यसभा सांसद हैं और वो मधुबनी में BED कॉलेज और मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। सुबोध राय आरजेडी के पूर्व MLC हैं। 2020 में वो वैशाली सीट से चुनाव हार गए। जमीन के बदले नौकरी वाला ये घोटाला नया नहीं है, लेकिन इसे झाड़ पोंछ कर निकाला गया है। CBI ने आज गुरुग्राम में भी छापे मारे। अर्बन क्यूब्स मॉल और व्हाइटलैंड पर छापा पड़ा तो भी तेजस्वी यादव का नाम आया, लेकिन बिहार के डिप्टी CM ने उल्टा BJP को लपेट लिया। प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब रखने वाले तेजस्वी को IPL में तो बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पॉलिटिकल लीग में वो बड़ी सावधानी से बैटिंग कर रहे हैं। जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। भय असल में 2024 का है। जो 40 में 40 NDA के खाते में था, आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव में 40 में 40 हम जीतेंगे। और जिस प्रकार से BJP के लोग तो आज वोटिंग से भाग गए,
ये लोग डरपोक लोग हैं और डर करके यहाँ सदन में सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने तीनों जमाइयों को आगे कर दिया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। हम आपको बता दें कि इस कंपनी के शुरुआत में जो है हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर गए थे और हमारे पास तस्वीर भी आ गई है। उद्घाटन जो है मनोहर खट्टर ने किया, जो हरियाणा के सीएम बीजेपी के हैं, और कुछ कहा जाता कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बीजेपी सांसद का है। तेजस्वी ऑफेंसिव हो रहे हैं बिहार के लिए, नीतीश कुमार ऑफेंसिव हो रहे हैं दिल्ली के लिए। बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने 2024 वाली बात की और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पर अटैक। 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा ये होगा, अरे भाई आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं, समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है, ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए 2010 में हम इन लोगों के हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया, और कहां किया? गया में भी वोट दिया, सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ दे, मेरा साथ दे रहते और मेरे चलते मेरे लाई बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में। रांची में ईडी के छापे पड़े तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गुस्से में है, बिहार में सीबीआई के छापे पड़े तो आरजेडी और तेजस्वी यादव गुस्से में है, दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई की जांच से केजरीवाल गुस्से में है। जिसे जहां मौका मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी को ही घेर रहा है, सब यही दिखाने की कोशिश में है कि 24 में वही मोदी को चैलेंज करेंगे। हकीकत क्या है ये नंबर में दिखता है। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा में एक सांसद वाली पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी लोकसभा में जीरो सांसद वाली पार्टी है, इसी तरह केजरीवाल की पार्टी लोकसभा में जीरो सांसद वाली पार्टी है। नीतीश कुमार के पास लोकसभा में 16 सीटें जरूर है, लेकिन ये 16 सीटें 2019 की मोदी लहर में मोदी के साथ रहते हुए मिली थी। 24 में नीतीश कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी जीतेंगे खुद नीतीश कुमार को भी नहीं पता, लेकिन राजनीति में कभी छोटा दावा नहीं किया जाता, इसलिए नीतीश भी बड़े बड़े दावे करते हैं। अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिलकर के लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। सवाल है कि जब विरोधी इतना कर रहे हैं तो मोदी क्या कर रहे हैं? बिहार के पॉलिटिकल स्पेस में बीजेपी ने आज नई लीडरशिप क्रिएट की। विधानसभा में नीतीश कुमार को चुनौती देने वाले पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा अब विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले विजय सिन्हा से लड़े, तब मोदी से लड़ने की सोचे। सेंटर के लिए मोदी जरा भी फिक्रमंद नहीं है। बैक टू बैक इलेक्शन जीतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग लीग में है। विपक्ष के सभी नेताओं की पॉपुलैरिटी मिला दें तो भी मोदी की पॉपुलैरिटी का मुकाबला नहीं हो सकता।
विपक्ष की सभी पार्टियों के नंबर मिला दें तो भी मोदी का मुकाबला नहीं हो सकता। 18 राज्य और 50% आबादी पर भगवा रंग चढ़ा देने वाले नरेंद्र मोदी ने 2024 में अपने दम पर 2/3 मेजोरिटी का टारगेट रखा है, और ये 2/3 मेजोरिटी सिर्फ राशन और भाषण से नहीं आएगी। मोदी इसके लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए गरीब से गरीब को आरोग्य सुविधा के लिए देश एक नहीं, दो नहीं, 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का, दूसरा मोर्चा है गांव गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का, तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का, चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का, पांचवा मोर्चा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का, और छठा मोर्चा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। मोदी के विरोधी छापे से छटपटा रहे हैं। उनका जो भी रिएक्शन है वो सेंट्रल एजेंसियों के एक्शन पर हो रहा है। करप्शन पर चोट हो रही है इसलिए नियत में खोट दिख रही है, मगर ऐसे एक्शन रुकने वाले नहीं, इसमें और तेजी आने वाली है। हैदराबाद शहर में अब से बस थोड़ी देर पहले पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया। दो रातें हो चुकी हैं, पहली रात सरतन से जुदा का नारा सुनाई दिया, दूसरी रात सरतन से जुदा का शोर फिर मचा, जय श्री राम के नारे भी लगे, दोनों ही समुदायों की तरफ से जबरदस्त नारेबाजी हुई। टी राजा सिंह बाहर आ चुके हैं, सरतन से जुदा का नारा लगाने वाले अभी तक पकड़े नहीं गए। शहर का माहौल इस वक्त भी काफी टेंस है, शहर अभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। तो कौन है जो शहर को भड़का रहा है, उकसा रहा है, कौन है जो शहर को शरिया से चलाना चाह रहा है? क्या यह सब धर्म के लिए किया जा रहा है या चुनाव के लिए इतना हंगामा है? हैदराबाद के चप्पे चप्पे से जो आवाज सुनाई दे रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। राहुल के नेता, ओवैसी के नेता, बीजेपी के पुराने नेता, एक नहीं तीन तीन भड़काऊ भाईजान है। बुरके वाली भड़काऊ महिला पार्षद भी है। हैदराबाद में कोई किसी से कम नहीं है। कौन कितना जहर फैला सकता है, कितनी मार काट मचा सकता है, इसी का कंपटीशन चल रहा है। इसको जेल को भेजाइए। और राजा सिंह, जो भी तू स्टेटमेंट दिया। राहुल के नेता मोहम्मद फिरोज खान कैमरे पर आते हैं। राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। गाड़ी रोक के राजा सिंह को मारने का, हमला करने का फरमान जारी करते हैं। जूता मारना जरूरी है। राजा सिंह जिधर भी देखा गाड़ी रोक के मारो उसको। 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 फिर ओवैसी की पार्टी के कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी दिखाई देते हैं, भीड़ जुटाते हैं, लोगों को सड़क पर बिठाते हैं, फांसी दो का नारा लगवाते हैं। की एक
लेके जा रहे हैं। अरे जिसको जिसको जो बदमाशी किया, जो गुस्ताखी किया, उसको अरेस्ट करो। फिर भाईजान की महिला पार्षद नसरीन सुल्ताना पूरा का पूरा गैंग लेकर सड़कों पर उतरती है, जबरन दुकानें बंद करवाती है, लोगों को डराती है, धमकाती है और धार्मिक नारे खुद भी लगाती है, उकसाई भीड़ से भी लगाती है। विवादित बयान देने वाले बीजेपी के सस्पेंडेड विधायक राजा सिंह जेल से छूटते ही फोटो खिंचवाते हैं। राजा सिंह के घर के बाहर मजमा लगता है, भीड़ जुटती है, पहले एक अंदर जाता है, फिर दूसरे को बुलाया जाता है और बाहर कैमरे पर हंगामा होता रहता है। बीजेपी विधायक राजा सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें ये देखिए, किस तरह से उनके समर्थक यहाँ पर जुटे हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लगातार यहाँ पर राजा सिंह का कह सकते हैं स्वागत किया जा रहा है, लोग जो है उनके फैंस यहाँ पर जुटे हैं। ओवैसी को जवाब देने वाला एक ही मर्द है हैदराबाद तेलंगाना का, जैसे कण कण में शंकर है, रोम रोम में राम है, जैसे हर युवाओं की धड़कन में एक ही नाम है, वो सिर्फ राजा सिंह जी का नाम है, इसलिए उनको कोई सस्पेंड कर नहीं सकते। उन्होंने कुछ भी गलती नहीं की है, वो गलत नहीं बोले, जो हकीकत है वो बयान करे। राजा सिंह हैदराबाद भाग्यनगर की जान है, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो रे देखो कौन आया, ओवैसी का बाप आया, का शेर आया, ओवैसी का बाप आया। पूरे हैदराबाद शहर में जबरदस्त हिंदू मुसलमान हो रखा है, पहले एक पक्ष धमकी देता है, फिर दूसरा पक्ष अटैक करता है, मिट्टी में मिल जाएंगे से लेकर मिट्टी में मिला देंगे तक खुल्लम खुल्ला, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में इस वक्त यही हो रहा है। यह एक मॉन्गरिंग किस लेवल पर चल रही है ये इन तस्वीरों से क्लियर है। भीड़ में सिर्फ कट्टरपंथी दिखाई नहीं दिए, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया, उनसे भी जहर उगलवाया गया। भीड़ बुलाने वाले, घेराव करने वाले कांग्रेस के भी हैं, भाईजान की पार्टी के भी हैं, यानी एक मॉन्गर्स को पॉलिटिकल बैकिंग है, तभी तो पुलिस की मौजूदगी में गला काटने के नारे लगते हैं और सब के सब वहीं डटे रहते हैं। टी राजा सिंह को बेल मिलते ही कट्टरपंथी भड़क उठे, चप्पल चले, पुतले फूके, धार्मिक नारेबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। इस भीड़ में वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मगर इन चेहरों के पीछे, इनके नारों के पीछे किसी और का ही दिमाग है। दोनों ही तरफ अलग अलग सियासी करेक्टर्स हैं और हिंदू मुसलमान करना ही इन सियासी करेक्टर्स के मास्टरमाइंड का असली मोटिव है। मंगलवार को रात भर यहाँ प्रोटेस्ट देखने को मिला था और अब बुधवार की आधी रात के
बाद का वक्त है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जमा हैं। वो मांग कर रहे हैं कि राजा सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया वो गलत हुआ है। और उसके बाद लगातार इस बात की डिमांड यहाँ पर की जा रही है, पुलिस जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। हैदराबाद में जो प्रयोग हो रहा है उसमें मजलिस का रोल बहुत बड़ा है। भाईजान के इशारों के बगैर हैदराबाद में पत्ता तक नहीं हिलता। ऐसे में चौक चौराहे गली मोहल्लों में लगातार दूसरी रात कुछ मिनटों के भीतर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ का इकट्ठा हो जाना, उस भीड़ में AIMIM के एक कॉर्पोरेटर और महिला पार्षद का दिखाई देना, ये सब संयोग नहीं कहा जा सकता। ऑर्डर ऊपर से ही आ रहा था, AIMIM का कॉर्पोरेटर सेफ खेल रहा था, कानून के तहत फांसी की मांग कर रहा था, तो AIMIM की महिला पार्षद दुकानें बंद करवा रही थी, सर तन से जुदा किनारे लगवा रही थी। एक बार फिर गौर से सुनिएगा। कानून से मिले फांसी की सजा, बहकाने वाले नेता, बहकने वाली भीड़, उकसाने वाले कट्टरपंथी, सड़क पर निकलने वाली आम पब्लिक, 48 घंटे से ये जो ड्रामा चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है मानो राजा सिंह को सजा का हक गजवाए हिंद के सपोर्टर्स को मिल गया है। मंगलवार आधी रात से लेकर बुधवार सुबह तक हैदराबाद के अलग अलग लोकेशन से आई तस्वीरों से क्लियर है कानून का डर सर तन से जुदा वालों में खत्म हो गया है और उसके पीछे भाईजान फैक्टर बहुत बड़ा है। आपके इंस्ट्रक्शंस के बाद भी आज एक आपकी के कांस्टेबल ठीक है, उनको 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 अरेस्ट किया गया है, प्रिवेंटिव कस्टडी बोलिए, डिटेन किया गया है। हम इसमें नहीं रोकेंगे, हम फिर से अपील कर रहे हैं सबसे कि आप मुद्दा वीडियो है उस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। भाजपा ये बात को क्यों नहीं समझ रही है कि पूरे देश में आप क्या पैगाम दे रहे हैं, आप पूरे विश्व में क्या पैगाम दे रहे हैं, इस बात पर भी तो सोचिए ना। सर ये कह रहे हैं ना कि दिल पर वार दोनों तरफ से हो रहा है। कोई दिल पर वार नहीं हुआ है। जाकिर नायक जब सुनिए, आप चुप रहे। सुनिए जाकिर नायक कहाँ है? जाकिर नायक, जाकिर नायक को क्या भाजपा ने नहीं भिजाया था मलेशिया में कि 370 की तायद करिए? हमने भिजाया था क्या? आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या वो सिर्फ भाजपाइयों के प्रधानमंत्री हैं? तो उनसे हम अपील कर रहे हैं कि इससे क्या मैसेजिंग हो रही है, इससे क्या पैगाम हो रहा है। दरअसल ये पूरी लड़ाई ही हिंदू बनाम मुसलमान कराने की है, आंकड़े भी यही कहते हैं। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी करीब 17 लाख है जबकि हिंदुओं की आबादी करीब 20 लाख है। इसको जेल को भेजिए। तेलंगाना में 23 में चुनाव, वहाँ सारे सियासी प्लेयर्स अभी से एक्टिव हैं, इसीलिए हैदराबाद का सियासी पारा इतना गर्म है। बीजेपी से निलंबित MLA टी राजा सिंह रिहा होने के बाद कहते हैं मेरे लिए पार्टी से पहले धर्म की रक्षा करना जरूरी है। विवादित वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाने पर कहते हैं कि वो उस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जिसमें और भी बातें होंगी। यानी न राजा सिंह पीछे हटने को रेडी है और ना ही सर तन से जुदा गैंग ही सरेंडर करने के मूड में है। इसको जेल को भेजिए। इस प्रयोग में भाईजान अकेले नहीं है, एक प्लेयर कांग्रेस भी है। कुछ घंटे पहले कांग्रेस नेता राशिद खान ने आग लगाने वाली बातें कही थी और अब उनके बड़े भाई फिरोज खान ने भड़काऊ टेप रिलीज कर दिया है। राजा सिंह जो भी तू स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट को तू माफी चाह, और अगर से तू नहीं चाहेगा माफी, हर एक मुसलमान को बोल रहा हूं मैं, अगर से कानून हाथ में लेना है, एक टाइम नहीं 1,00,000 टाइम लेते हम, तू जो घिनौनी बात करा उसके लिए तो तेरे को जूता मारना जरूरी है। और पूरे हैदराबाद के मुसलमानों को बोल रहा हूं मैं, इन्हें माफी नहीं मांगा, जिधर देखे उसको मारो।
सुना आपने, एक बार नहीं 1,00,000 बार कानून हाथ में लेने की धमकी। राजा सिंह जिधर दिखाई दिया उधर मारने की धमकी। इसीलिए ये भीड़ के पीछे खड़े होकर भी आग लगाते हैं और कैमरे के सामने आकर भी भड़काते हैं। फिरोज खान साहब क्यों इतने भड़क गए आप? देखिए, भड़कना जरूरी था। जो राजा सिंह जो घिनौनी बात किए हैं वो एक्चुअली टोटल रॉन्ग है। आप आके ऐसी बेहूद की बात आप कर देते। ये देखिए, आपको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, निपुर शर्मा वो बात बोली तो कितने हंगामे हो गए, खतल हो गए, हंगामे हो गए। मुसलमान जब भड़क जाएगा तो दंगा हो जाएगा। दंगे में मर जाएगा कौन? राजा सिंह ने मरेगा, असदुद्दीन ने मरेगा, एक गरीब कमजोर मुसलमान मरेगा, जो ब्रेड अनर है उन्हें मरेगा, तो वहां पे हमारी तकलीफ। तो ये काम राजा सिंह कंटिन्यूस करते, राजा सिंह प्री प्लान करते। भड़का तो आप भी रहे, आप कह रहे हैं कि हम कानून हाथ में ले लेंगे, एक बार नहीं 1,00,000 बार ले लेंगे, तो ये क्या मैसेज है? सुनिए मेरी बात, पुलिस को हम बोल दिए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को बोल दिए, अगर से ये राजा सिंह को आप अरेस्ट नहीं करेंगे, जेल के अंदर नहीं रखेंगे, तो बराबर हम कानून हाथ में लेंगे, बराबर लेंगे। क्योंकि अगर से ये डर हम कायम नहीं करेंगे तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट काम नहीं करती। आप बोलते कोई मुसलमान टेढ़ा बिंगा बात करे तो आप बोलते पाकिस्तान को जाओ, अगर इन्हें टेढ़ा बिंगा बात करता तो इसको कहां भेजेंगे? श्रीलंका को भेजेंगे, किधर भेजेंगे इसको? आप जब बयान देते हैं फिरोज खान साहब, तो आप कहते हैं कि जो भी मुसलमान सच्चा है वो अगर राजा सिंह को देखे तो उसकी पिटाई कर दे, तो ये इस बयान को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर से उन्होंने माफी मांगा तो तमाम मुसलमानों को मैं बोला, जो भी ईमान की हरारत रखता उन्हें जहां देखे उसको मारो बोला, बराबर बोला मारो, अभी भी बोला मारो, बोल रहा हूं मारता हूं, मैं भी मारता हूं। माफी नहीं मांग रहा, माफी नहीं मांगा तो ये बात आगे जाने वाली है, क्योंकि हैदराबाद से ये पूरे हिंदुस्तान में पकड़ लेती। सुनिए, आप मुसलमानों को नहीं समझा सकते, जब तक इसको पीडी एक्ट में नहीं बुक करेंगे, इसको वापस जेल को नहीं भेजेंगे, मुसलमान समझेगा नहीं। भाई, मैं आपके चैनल के सामने ये वो दीवाने बातें नहीं करना चाहता, जो है वो बात करता, ग्राउंड लीडर हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, हर चीज मेरे को मालूम है। मुसलमान रसूल अल्लाह के ताल्लुक से, प्रॉफिट मोहम्मद के ताल्लुक से बोले तो मुसलमान दीवाना हो जाता, आशिक रसूल है। नहीं बोलना था राजा सिंह, छोटी सर की बात है, बोल दिया उन्हें। अब आके मेरे से गलती हो गई, एक बात बोलने से मुसलमान समाज पूरा थम जाएगा। अगर से इन्हों नहीं थमाना चाह रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको, दंगे करवाए जाते होते नहीं तो अगर से राजा सिंह और उनकी टीम की प्लानिंग है कि दंगे होना, तो उन्हें सॉरी नहीं बोलेंगा, सॉरी नहीं बोले तो दंगे होंगे साहब। फिरोज खान का इशारा काफी खतरनाक है, दंगे का प्लान है, मगर इनके भाई राशिद खान तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। अब ऑन कैमरा सर तन से जुदा को ही जायज ठहराने लगे हैं, संविधान से चलने वाले देश में शरिया कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। उकसाने वाला राजा सिंह है, माहौल खराब करने वाला राजा सिंह है, यही वजह है कि आज हमारे बर्दाश्त का मादा हम खोदा ले। हम भी इंसान है, हम भी जज्बाती हो जाते, कि तो हमारे रसूल अल्लाह की जब बात आ जाती तो हमको कुछ नहीं नजर आता। आगे बढ़ते हैं। राजौरी से पकड़े गए आतंकी ने पाकिस्तानी आर्मी के किस अफसर का नाम लिया? पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा सुनिए कैमरे पर। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है और फिर पैसों का लालच देकर LOC को पार कराती है। 21 अगस्त को राजौरी से तबरक हुसैन नाम का एक आतंकी पकड़ा गया था। तबरक हुसैन को फिदाइन के रूप में भारतीय सेना पर हमला करने के लिए भेजा गया था। राजौरी में पकड़े गए इस आतंकी ने पाकिस्तान के कर्नल यूनुस चौधरी का नाम लिया। कैमरे पर कबूलनामा है जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी जा। आर्मी जा। आर्मी जा। कि उन्हें की आखिर उन्हें चौधरी यूनुस ने की आखिर की करना है? उन्हें पैसे दिए। कितने 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 पैसे दिए थे? कितने पैसे दिए कर्नल आर्मी का? कितने पैसे दिए थे उन्हें? 3,000। 3,000 किन्नी आर्मी की पोस्टें दी रखी की थी? आर्मी की पोस्टें पर हमला करने का बोलिया सी। किन्नी पोस्टें दी रखी की थी? एक दो के। भारी बारिश और बाढ़ से किस तरह से मध्य प्रदेश इस वक्त जूझ रहा है, तस्वीरों में आपको मध्य प्रदेश के ताजा हालात दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है, 12 जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद राहत और बचाव के मोर्चे पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन के लिए बारिश का दौर थमा है, लेकिन 26 तारीख से फिर 5 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में हुई आफत की बारिश ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। बारिश का दौर आज थमा है, लेकिन बस्तियां तालाब बन चुकी हैं। लोगों की जरूरत का सामान पानी में डूब गया है। भोपाल से सटे विदिशा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये कोई नदी या नाला नहीं, बल्कि शहर का मुख्य बाजार है। भोपाल की तरफ से बेतवा में जो सैलाब आया, उसने शहर को समंदर बना दिया। चारों तरफ केवल और केवल पानी ही दिखाई दे रहा है। अब विदिशा जिले की इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ 400 से ज्यादा परिवार फंसे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे हैं। सीएम को देखकर दूर मकान की छत पर खड़े लोगों की आंखों में मदद का भरोसा जागा है। ये तस्वीरें विदिशा के राजीव नगर की हैं, जहां बाढ़ प्रभावितों को खाने के पैकेट और हर संभव मदद पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बेतवा में चारों तरफ जन सैलाब दिखाई दे रहा है। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गांवों को डुबो दिया, शहर के कई घर डूबे हुए हैं। उनमें से एक बस्ती में इस बोट के माध्यम से जिनके घरों में पानी है, अभी मैं मिलने आया था। जनता में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्यमंत्री और सारा प्रशासन उनके सहयोग और सेवा के लिए है, और इसलिए मैं आज भी लगातार घूम रहा हूँ, जनता से मिले, बातचीत की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की, और जल्दी ही पानी जैसे जैसे उतरेगा राहत का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किया जाएगा। एमपी के कुछ जिलों खासकर विदिशा में बाढ़ के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। आज जब सीएम शिवराज सिंह चौहान कुरवाई में बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए कैंप में पहुंचे, तो किसान उनसे लिपट कर रोने लगे। सब मैं व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। कोई परेशानी भाई? कोई परेशानी आगे भी नहीं हो, रोके हो? आनंद है, रोके हो तुम लोग? भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। विदिशा जिले के अंदर बाढ़ और बारिश से 4000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। राहत की बात बस इतनी सी है कि बेतवा का वाटर लेवल फिलहाल कम होने लगा है। हालांकि ये तब तक है जब तक बारिश रुकी हुई है। अगर फिर बारिश होती है तो हालात ऐसे ही होंगे। किसी नदी के बहाव से भी ज्यादा तेज बहाव ये नदी का नहीं, विदिशा शहर के अंदर का है। मेला ग्राउंड की ये तस्वीरें इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है। ये जो पानी आ रहा है, इसका बहाव देखिए आप। ये तमाम जो इस इलाके के मेला ग्राउंड के जो ये घर हैं, उसे पूरी तरीके से ये डुबा चुका है। तकरीबन पहला फ्लोर अगर आप देखेंगे तो वो डूबा हुआ दिखाई देगा। तमाम जो लोग हैं वो छतों पर रहने को मजबूर हैं। साफ तौर पर बाढ़ की विभीषिका जो है वो विदिशा ने इन 48 घंटे में देखी है। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन तक एमपी में बारिश से राहत की उम्मीद है, लेकिन 26 अगस्त से नया सिस्टम बनने वाला है। 5 दिन तक फिर से प्रदेश में जोरदार बारिश हो सकती है। फिलहाल भोपाल के 3 बांधों से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसके कारण बेतवा में उफान आया है। पानी अभी भी खतरे के निशान के आसपास बह रहा है। नदी के घाट पर बने मंदिर और शमशान दोनों डूब चुके हैं।